नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मदन सोजे और आज हम सीखने वाले हैं केंट आरओ में जो बीप आवाज़ आती है वो कैसे बंद करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहली बात कि बीप आवाज़ कब कब आता है, जब आपने केंट आरओ की यूवी ट्यूब शॉर्ट होने के बाद आ सकता है, नहीं तो अपना फिल्टर जो रहता मेम्ब्रेन उसका जो प्योरिटी रहती है तो प्योरिटी कम होने पर, नहीं तो फ्लो कम होने पर ये बीप आवाज़ आ सकती है। और तीसरा रीजन हो सकता है कि ये एक टाइमर रहता है, ये एग्जैक्ट टाइमली 5-6 महीने बाद ऐसा टाइमर रहता है तो टाइमर बजता है बीप करके, तो अपना जो कैंडल रहता है बाहर का वो मड फिल्टर वो चेंज करने के लिए एक अलार्म रहता है, एक रिमाइंडर रहता है अपने लिए। तो जब अपना पानी प्योर है और फ्लो भी अच्छा आ रहा है तो भी बीप बज रहा है, तो ये बीप कैसे अपन बंद कर सकते हैं ये आज आप अपन सीखेंगे। तो देखिए सबसे ऊपर जो एलईडी दिख रहा है, एलईडी ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का दिखता है ना ऊपर, तो वहाँ पे वो एलईडी जो लग रहा है वहाँ पे आवाज़ आता है एक बीप करके। तो ये जो आवाज़ आता है तो ये कैसे अपन बंद कर सकते हैं, तो उसके बाजू में एलईडी के एक छोटा सा ब्लैक बटन दिखता है, आप दिखता है एक एलईडी के बाजू में ब्लैक बटन, तो उसको क्या करेंगे हम थोड़ी देर, ये देखिए आप झूम करके ये यहाँ पे एक एलईडी लाइट के बाजू में एक ब्लैक बटन दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे प्रेस करेंगे, तो खाली प्रेस करने से वो बंद नहीं हो जाएगा बीप। चालू कर दीजिए आरओ, और चालू करने के बाद क्या करने का, जब तक ये बीप आवाज़ बंद नहीं होता तब तक उसको प्रेस करके रखिए, तो ये क्या हो जाएगा बीप आवाज़ जो है अपना वो बंद हो जाएगा और अपना आरओ चालू हो जाएगा। नहीं तो क्या करते अपन एक दो बार प्रेस करते और छोड़ देते, तो वैसा कितने बार अपन ने प्रेस किया तो भी नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर दबा के रखिए और बंद हो जाएगा।